नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा नगर निगम के 45 वार्डों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। चाहे वह पॉश कॉलोनी हो या पुराना रीवा या फिर नव निर्मित कॉलोनियां, हर जगह सड़क, पानी, नाली की किल्लत वार्डवासी झेल रहे हैं। विगत 15 वर्षों से नरकीय जीवन जी रहे हैं। वार्ड क्रमांक 26 पोखरी टोला के वार्ड के लोगों का अब आक्रोश फूट चुका है। वार्ड के लोगों ने तय कर लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना ही नहीं, वार्ड वासियों ने बताया कि आप अपने वार्ड में एक बैनर लगाएंगे कि नेताओं का प्रवेश निषेध है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर को महानगर बनाने की घोषणा कर सरकार आती जाती रही है, उसी शहर के लोग आज पानी, सड़क और नाली की समस्या से जूझ रहे हैं। मोहल्ले का ऐसा हाल है कि स्लम बस्ती उसके आगे सर झुका ले। ऐसा नहीं है कि नगर निगम और जिले के विकास पुरुषों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात में नगर निगम अमला जेसीबी मशीन लेकर पहुँचता है और पानी की निकासी की व्यवस्था करता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के विधायक, महापौर को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारियां तो दी जाती हैं, लेकिन नेताओं को भूमि पूजन करने से फुर्सत नहीं मिलती। भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण का नंबर नहीं आता और दूसरी बार झांकने नहीं पहुंचते। स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि कोरोना से डर नहीं लग रहा, जितना यहाँ की गंदगी से होने वाली बीमारियों से भयभीत है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला से कई बार यहां की समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन विधायक जी ने कहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलेंगे तो भ्रमण करेंगे वार्ड का, लेकिन आज तक मॉर्निंग वॉक के लिए वार्ड में आने का समय नहीं मिला। इसीलिए वार्ड वासियों के पास अब एक ही रास्ता है कि अपने वार्ड में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाए। पार्षद भी बड़े बड़े वादे कर चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वार्ड की समस्या को भूल जाते हैं, जिसके चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न है और यहाँ नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं शहर के बीचों बीच बसे वार्ड क्रमांक 26 पोखरी टोला का हाल, कि यहाँ कैसे महानगर बनने जा रहे रीवा के लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद खबर देखकर शासन और प्रशासन को कुछ शर्म आए और इस वार्ड के लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। बनता ना खुद निकलने बनता, कुछ भी तो नहीं होता है यहाँ पे। नाली का कहीं जगह नहीं है, पानी पूरा रोड में भरा रहता है। कहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके इंसान कहाँ जाए? टैक्स हमेशा दे रहे हैं हम लोग, तो हमेशा टैक्स देते हैं। जिसको भी पार्षद चुना जाता है, कभी कोई विकास का नामो निशान नहीं, देखने नहीं आते कि यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। कोई आता है, कहीं जानवर कम मर रहे, कहीं किसी कम, कुछ भी नहीं। तीन महापौर भूमि पूजन को, बच्चे लोगों के लिए ऑटो की सुविधा नहीं हो रही है, बच्चे लोग वैन लेने के लिए नहीं आ रहे, वहाँ से वहाँ तक जाते हैं। आदमी किस तरीके से बच्चे को लेकर जाते हैं। आपका प्रद्युम्न तिवारी, पोखरी टोला। यहाँ कैसा विकास है? वार्ड क्रमांक 26 यहाँ कैसा विकास है? यहाँ जो विकास है आप सबके सामने है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ न रोड है, न नाली है, न सीवर पाइप है, पाइपलाइन की व्यवस्था है, न मीठे पानी की व्यवस्था है। जल भराव हर जगह भरा हुआ है। यहाँ कोरोना का अंबार लगा हुआ है और कोरोना इसलिए भी होगा और तमाम तरह के रोग इसलिए भी होंगे क्योंकि यहाँ मच्छरों का खदान है। यहाँ फैक्ट्री खुली हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पानियाँ भरा हुआ है, ना नाली की व्यवस्था ना कुछ भी है। पूर्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक द्वारा जब पहली बार आगमन हुआ था इस मोहल्ले में, तो यह कहा गया था कि सबसे अव्वल नंबर में इस मोहल्ले का विकास किया जाएगा, लेकिन आज तक इस मोहल्ले को अनदेखी की गई और दुर्भाग्य है कि इस मोहल्ले का विकास अभी तक नहीं हुआ। भाजपा के ज़माने में 15 साल से लगातार शासन में है, लेकिन आज देख लीजिए कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस मोहल्ले वासियों को। और यहाँ इस तरह से यदि रहा आएगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे आगे आने वाले टाइम में। वीरेंद्र कुमार तिवारी, यहाँ कैसा विकास है? अरे यहाँ कुछ विकास नहीं है, विगत कई वर्षों से यहाँ जल भराव रहता है, पानी का भी संकट है और समस्या ही समस्या है। यहाँ कोई देखने आने वाला नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं। नारियल भी फोड़ चुके, रोड में कंक्रीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद कोई नहीं आता है। ना पार्षद ध्यान दे रहे हैं, ना महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना क्षेत्रीय विधायक यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ना पार्षद ध्यान दे रहे हैं, ना महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना क्षेत्रीय विधायक यहाँ ध्यान दे रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, जनता की परेशान है, घर के बच्चे आए दिन बीमार होते हैं।
वार्ड नंबर 26 पोखरी टोला से हूँ। यहाँ पे हम लोगों का मकान बने हुए आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन बच्चों को हम किस तरीके से स्थिति में निकलते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ का नज़ारा दिखाइए। ये देखिए बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी हुई है बच्चों की सीजर से, किस तरीके से बरसात में हम निकलते हैं, बच्चे को किस तरीके से लिए के जाया जाता है, बीमारियों का इधर पर कितना परेशानी हो रही है, कोरोना फैला हुआ है, शासन प्रशासन किसी का कोई इधर पर ध्यान नहीं है। जबकि जिस प्रकार से मेरे भाई जो बोले हैं अभी कि राजेंद्र शुक्ला जी और महापौर वगैरह आई हैं इधर पे आते हैं, हम लोग अपनी तरफ से इस तरीके से थोड़ी व्यवस्था करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जब ये लोग नगर निगम की रसीद काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, तो क्या ये व्यवस्था करना किसका काम है भाई? किस्त वगैरह किसने ली जाती है? इसीलिए न ली जाती है कि भाई जनता को सुविधा दी जाए। तो ये इन लोगों ने बस अपना काम किया है, लेकिन हम लोगों की जनता के लिए क्या किया? इतनी बीमारी फैल रही है, सड़क हमको यही चीज़ है कि वोट नहीं होगा, लेकिन नेताओं का यहाँ पे आना हम लोग नहीं जाएंगे कि जब तक हमारी रोड ना बने। और आप देखिए कि हमारी जनता, ये देखिए ना किस तरीके से यहाँ सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते लौट रहे हैं, वहाँ देखिए बच्चे दीवार कहाँ से कैसे जाएं, क्या यहाँ पे नदी और यहाँ पे वो आएगा, नदी नाव आएगी भाई? यदि कलेक्टर महोदय आके यहाँ पर देखें कि यहाँ पे भाई यदि शासन प्रशासन के पास नाली और ये बनवाने की सुविधा नहीं है तो टैक्स लेना बंद कर दे, और नदी का इधर पे नदी की जगह पे नाव की व्यवस्था तो कर दे कलेक्टर साहब, कि भाई हम लोग किस तरीके से तैर के जाएं। आप देखिए इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना हो तो या तो हम इस गंदगी में पैर रख कर जाएं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे नदी के लिए एक नाव और उसकी मल्ला को ढूंढें हम अपने काम के लिए जरा जरा से। ये विकास किसकी देन है? ये विकास राजेंद्र शुक्ला की देन है भाई। यदि जनता उन्होंने नहीं कराया कुछ भी भाई, कुछ भी नहीं कराया, चार बार इसका भूमि पूजन हुआ भाई। एक बार यहाँ पे किसी कार्यक्रम में आए थे तो सारी जनता इधर पे, एक ये वाली अम्मा है उनके गाड़ी के आगे भी खड़ी हो गई थी कि भैया हमारे को रोड बनवाइए, हमारे बच्चे दिन भर गिरते हैं, अभी अस्पताल में जमा एडमिट हो जाएंगे, बताइए क्या करेंगे शासन प्रशासन, बच्चों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं, आम जनता पूरी परेशान है। उनको सिर्फ खाली एक बार वोट ले लिया, अपनी जिन राजनीति में बैठ गए, दोबारा उन्होंने राजनीति में अलावा देखना नहीं है कि जनता की तरफ की जनता होती कैसे है। बस जिस दिन वोट हुआ उस दिन आते हैं, और जिस दिन इलेक्शन जीत गए तो एक बार आ गए, उसके बाद फिर 5 साल बाद ही दिखते हैं। बस जिस दिन वोट हुआ उस दिन आते हैं, और जिस दिन इलेक्शन जीत गए तो एक बार आ गए, उसके बाद फिर 5 साल बाद ही दिखते हैं। यहाँ बिल्कुल पानी एकर सब साफ हो, यहाँ टैक्स दे थे हम पचे के ध्यान ही नहीं देता, यहाँ एक थोका एक व्यवस्था बनवावे शासन। अब इतना ही कहा हम का कही ज्यादा, रोड नाली नहीं आए हैं, सब डेंगू मलेरिया से ग्रसित है, गाय जानवर किस तरीके से घूम रहे हैं, टाइट फाइड मलेरिया बिल्कुल सबको पकड़े ही हैं, दवाई ठीक ही नहीं हो लगा ही, लोग 15 दिन से बिल्कुल यहाँ सब परेशान हैं, बिल्कुल डॉक्टर के पास जा था पूरा पैसा दे था हो गए चले आवे। यहाँ नेताजी कर रहे हैं भैया, आपका नाम अभय मिश्रा है, मैं वार्ड नंबर 26 का निवासी हूँ। आज लगभग 15 वर्षों से भाजपा की गवर्नमेंट विकास के, और हर बार जब चुनाव का टाइम आता है तो हमारे नेता जी आते हैं, बड़ा सा टेंट लगाते हैं और कल आपके रोड में काम लग जाएगा और नालियाँ बन जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या अगर वार्ड नंबर 26 में कुछ है तो रोड और नाली की है, और नाली के कारण, नाली न होने के कारण पानी इतना भराव हो जाता है कि हर बारिश में नगर निगम कमला JCB लेके यहाँ 2 घंटे 4 घंटे व्यस्त रहता है। तो क्या नगर निगम को ज्ञात नहीं है कि वार्ड नंबर 26 में नाली नहीं है, रोड नहीं है, इसकी वजह समस्या हो रही है? यहाँ लगभग 5 बार मेरी जानकारी में तो महापौर और राजेंद्र शुक्ला जी खुद भूमि पूजन कर चुके हैं और आज तो कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारा तो एक ही नारा है कि इस बार वोट का तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन हम 10 से 15 दिन के अंदर वार्ड नंबर 26 में एक बाहर बड़ा सा बैनर लगाएंगे कि नेताओं का प्रवेश निषेध है, और वो हमारे यहाँ सड़क और नाली का विस्तार नहीं हुआ तो हम वोट भी नहीं करेंगे। बाहर बड़ा सा बैनर लगाएंगे कि नेताओं का प्रवेश निषेध है, और वो हमारे यहाँ सड़क और नाली का विस्तार नहीं हुआ तो हम वोट भी नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। वार्ड नंबर हमारा बस नारा नहीं, हमारे वार्ड नंबर 26 के पोखरी टोला की जो जनता का नारा है ये सिर्फ एक ही बार रहेगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम है भैया आपका? विजय तिवारी। ये कौन सी जगह है? ये पोखरी टोला 26 नंबर वार्ड। यहाँ कैसा विकास है? विकास आप देख सकते हो, आप इधर देखिए विकास, यहाँ मंत्री जी कई बार इसका उद्घाटन कर चुके हैं, महापौर जी कर चुके हैं, लेकिन आज तक रोड की हालत देख सकते हैं आप देखिए इधर कैमरा घुमा करके, ना यहाँ नाली है ना रोड की कोई व्यवस्था है,
कई बार आश्वासन दिया गया, उनसे मुलाकात भी की गई, उन्होंने कहा ये स्वीकृत हो चुकी है, बन जाएगी, लेकिन आज तक यहाँ पर बरसात के, ये तो अभी ठीक है इस टाइम पे देखिए आप, लेकिन बरसात के समय तो यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता, पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी ओड़ी की तो बात आप मत करिए, ना यहाँ नाली की कोई पानी निकासी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना कोई सीवर लाइन पाइप, ना यहाँ पानी, मीठे पानी की सप्लाई, मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आज तक मंत्री जी द्वारा यहाँ की नहीं गई। आश्वासन बस दिया गया, अभी कल शायद कैंप लगा था यहाँ मंत्री जी का, आए भी थे ये लोग हमारे यहाँ से, गए कई लोग, मुलाकात भी किए कि मंत्री जी यहाँ इस तरह की हालत है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, तो बोले अभी टाइम नहीं है, हम आएंगे सुबह मॉर्निंग वॉक में तो फिर एक बार देख लेंगे, और आज तक अभी मॉर्निंग वॉक उनका हुआ नहीं इस क्षेत्र में। ये चालू सड़क है, चालू सड़क है, सबसे ज़्यादा ये बिजली लाइन है, ये आपके यहाँ से लेके ये चिरहुला कॉलोनी तक ये लिंक रोड है, चारों तरफ से निकासी इसी प्रकार इसी तरफ से होती है, लोग जाते हैं वहाँ आगे पुल का काम चालू है तो लगभग यहाँ से लोग ही निकलते हैं, लेकिन देख लीजिए निकलने की हालत, यहाँ आदमी निकल नहीं सकता है, पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी में चलने की तो बात मत करिए, और यहाँ आप मोड़ में देखिए क्या संकीर्ण व्यवस्था है कि वहाँ से आज तक किसी प्रकार का कोई प्रशासन के द्वारा तो कोई सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।